प्रीतमपुर गांव में रहने वाला गचकू कुम्हार मिट्टी के बेहतरीन बर्तन बनाता था। गचकू के बनाए हुए बर्तन और घड़े आसपास के 20 गांव तक बिकते थे। गचकू अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से जिंदगी बसर कर रहा था। गचकू कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को बाजार में बेचने के लिए ले जाता। इस काम के लिए उसने एक गधा पाल रखा था। गचकू के पास ये गधा पिछले कई सालों से था, लेकिन गधा अब बूढ़ा हो चुका था। अब वो गधा गचकू के काम को उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता था। थोड़ी दूर तक बर्तन की गाड़ी खींचने के बाद ही वो बहुत थक जाता और हाँफने लगता। गचकू की पत्नी ने गचकू से कई बार कहा कि अब इस बूढ़े गधे को कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ, ये हमारे पर एक बोझ ही है, और एक नया जवान गधा खरीद लो। कुम्हार अपने गधे से बहुत प्यार करता था, इसलिए अक्सर ही अपनी पत्नी की बात अनसुनी कर देता था। कुम्हार के घर के आंगन में एक कुआं था जो सूखा हुआ था। एक रात की बात है, गचकू और उसकी पत्नी आराम से सो रहे थे। तभी गचकू को अपने गधे की आवाज जोर जोर से आने लगी। गचकू झटपट बाहर की तरफ भागा। रात के अंधेरे में गचकू गधे की आवाज वाली दिशा में बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि उसका प्यारा गधा घर के आंगन में बने सूखे कुएं में गिर गया है। कुम्हार ने अपनी पत्नी को उठाया और उसे सारी बात बताई और गधे के कुएं से बाहर निकालने की तरकीब सोचने लगा। लेकिन कुम्हार की पत्नी ने कहा, तुम गधे को बाहर निकालने की बेवकूफी भरी बात मत करो, वो बूढ़ा गधा है, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं है, बल्कि अच्छा मौका है, तुम कुएं को रात रात में ही मिट्टी से भर दो, गधे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर गधा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। पत्नी के दबाव में आकर गचकू ना चाहते हुए भी कुएं में मिट्टी भरने को राजी हो गया। दोनों पति पत्नी फावड़ा लेकर कुएं में मिट्टी भरने के काम में लग गए। रात के अंधेरे में वो इस काम में पूरी तेजी से लग गए। जैसे जैसे कुएं में वो मिट्टी डालने लगे, गधे की समझ में आ गया कि उसका मालिक उसे जिंदा ही दफन करके उससे छुटकारा पाना चाहता है। गधा और जोर जोर से रोने लगा। पति पत्नी भी उतनी ही तेजी से मिट्टी कुएं में डालने लगे। तभी अचानक वो गधा एकदम शांत हो गया। गचकू को लगा कि गधा बस अब मर ही गया समझो। कुछ देर बाद गचकू ने आखिरी बार अपने गधे को देखने के लिए कुएं में झांका तो वो हैरान रह गया। उसने देखा वो गधा अपनी पीठ पर गिरने वाली फावड़े की मिट्टी के साथ अजीब हरकत कर रहा था। अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी को वो गधा हिल हिल कर नीचे गिरा देता और एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे गचकू और उसकी पत्नी उस पर फावड़े से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे ही वो हिल हिल कर मिट्टी को गिरा देता और ऊपर चढ़ जाता। जल्दी ही वो गधा कुएं के किनारे तक पहुंच गया और कूदकर बाहर भाग गया। कुम्हार और उसकी पत्नी बस हैरानी से देखते ही रह गए। गचकू के गधे की तरह ही कई बार हम इंसानों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम पर भी मिट्टी फेंकी जाती है। हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें पैदा करने वालों की भी कमी नहीं होती। आपको सक्सेस की तरफ बढ़ता देख बहुत से लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, हर वो काम करेंगे जिससे आपका हौसला टूट जाए, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हार मानकर कुएं में ही पड़े रहेंगे या
हिल हिल कर हर तरह की गंदगी गिरा देंगे और उसी की सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।